हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वाला वीडियो होने वाला ड्रैगन बॉल ज़ ज़ेनोवर्स 2। तो सोच रहे हो अगर तुम लोग कि ये वाला गेम तुम्हारे डिवाइस में कैसा चलेगा, या तुम चलाने के बारे में सोच रहे हो लो एंड डिवाइस, अगर तुम लोग इसका रिक्वायरमेंट चाहिए कि इसका डिवाइस रिक्वायरमेंट क्या होगा, कैसा चलेगा हम लोग का FPS। तो एज़ यू कैन सी अभी तो हम लोग यूज़ एमुलेटर में चला रहे हैं जो कि 30 out of 30 FPS आ रहा है। हो नहीं सकता कि 30 FPS जो हम लोग का फ्रेम है किसी भी सिचुएशन में कम हो जाए। तो उस अनुसार से ये वाला जो गेम है अभी NCE में हम लोग का स्टेबल हो चुका है। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि लो एंड डिवाइस में तुम लोग का कैसे चलेगा तो मैं बता देता हूँ। सबसे लो एंड तो अभी तक का गाइस यही माना जाता है 12 से 13 हज़ार रुपये में हम लोग को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर। उससे महंगा भी मिलता है, 16 से 20 हज़ार तक का था पहले, तो और महंगा आता था, फिर उसके बाद थोड़ा सस्ता हो गया। अभी स्नैपड्रैगन 845 तुम लोग को 11 हज़ार में मिल जाएगा, 695 13 हज़ार रुपये का। तो 695 में तुम लोग का ये 20 से 25 FPS आ जाएगा इजीली। ड्रैगन बॉल जी ज़ेनोवर्स 2 जो कि प्लेबल है गाइस, ओके। और अगर तुम लोग चाहते हो इसको प्ले करना तो तुम लोग प्ले कर सकते हो। बाकी मेरा जो सेटिंग्स है इस वाले वीडियो में, मैंने मेन इसीलिए ये वाला वीडियो बनाया ताकि मैं तुम लोग को इसका सेटिंग्स बता दूँ। बंदे ने सब्सक्राइबर ने कमेंट किया तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आ गया। ऑलरेडी ये गेम प्लेबल है और गेम तुम लोग को लगेगा नहीं कि ये तुम लोग एमुलेटर में खेल रहे हो, तो उस अनुसार से इस गेम को स्टेबल कर दिया गया है। बढ़िया है, हम लोग को अगर गेम खेलोगे तुम लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा, FPS ड्रॉप नहीं होगा तुम लोग का। अगर तुम लोग का कोई ऐसा डिवाइस है जो लो एंड है तो जितना FPS तुम लोग का चल रहा है स्टेबल उतना ही चलेगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, ओके। तो ये जो गेम है मैं बता दिया इसको लो एंड डिवाइस में सपोर्ट है। चाहते हो गाइस कि इसका सेटिंग्स दूँ तो मैं तुम लोग को आगे बताता हूँ। और अभी हम लोग का जो गेम है 30 FPS चल रहा है, जो कि ये गेम अगर 1v1 सिचुएशन आता है इस वाले गेम में, मतलब अगर पूरा जो एरिया है वहाँ पर दो बंदे तुम लोग को दिखेंगे, गेम 60 FPS में स्विच हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली 60 FPS का भी गेम है, लेकिन अगर तुम लोग को दो प्लेयर से ज़्यादा है यहाँ पे लॉबी में बंदे तो तुम लोग का 30 FPS चलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए 30 FPS स्टक है, और उस टाइम अगर तुम लोग का 60 FPS में गेम जब स्विच होगा तो सोच रहे होगे कि लो एंड डिवाइस में कैसे चलेगा। सही चलेगा गाइस, बढ़िया चलेगा, प्लेबल भी फिर भी रहेगा, ओके। तो ये एमुलेशन के ऊपर है, और जो तुम लोग ड्राइवर यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर है, और जो तुम डिवाइस है रिस्टार्ट मार लेना, उससे क्या होता है जो तुम्हारा मेमोरी होता है ना डिवाइस का मेमोरी, वहाँ पे ना कैच जमा हो जाते हैं। तो उसको रिस्टार्ट मारने से, शटडाउन करने से जो कैच है वो फिक्स हो जाता है, और उससे जो हमारा परफॉर्मेंस डिवाइस अच्छा देता है उसके अनुसार से अगर तुम ये चलाओगे तो तुम लोग का लो एंड डिवाइस में भी बढ़िया चलेगा। मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक कर रखा है, और मैं तुम लोग को इसका जो सेटिंग्स है वो वाला बता देता हूँ तुम लोग को सेटिंग्स। चलो गाइस अब आ जाते हैं सेटिंग्स में, और मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि बेस्ट स्मूदेस्ट सेटिंग्स क्या है। सेटिंग्स के अंदर आ जाना, ग्राफिक्स के अंदर आ जाना, और यहाँ पे हम लोग को, और हाँ ऐप में होल्ड करने के बाद आना, और सेटिंग्स के अंदर तुम लोग को ये तीन ऑप्शन इनेबल कर लेना। और उसके बाद हम लोग को जो रिजोल्यूशन है, सबको पता होता है कि उसका डिवाइस जो है कितना रिजोल्यूशन सह पाएगा, तो तुम लोग को भी पता होगा। मेक श्योर अगर तुम लोग का लो एंड डिवाइस 0.5x का लेना, हाई है 1x, अल्ट्रा हाई है, तो उस अनुसार से तुम लोग चेंज कर सकते हो रिजोल्यूशन। अब क्या होता है गाइस इंपॉर्टेंट बात कि तुम लोग ने सब सेटिंग्स मेरे जैसा कर लिया, अभी तुम लोग गेम ओपन कर रहे हो, तुम लोग का गेम ओपन होते ही क्रैश हो जा रहा है, गेम नहीं चल रहा है, गेम ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। इसका मतलब गाइस तुम लोग का जो डिवाइस है उसमें रैम कमी है। रैम कमी का कारण ये है, व्हाट्सएप तुम लोग का जो रैम है खाता है, इंस्टाग्राम खाता है, और फेसबुक खाते हैं, ये सब खाते हैं। तो इसमें क्या है, तुम लोग को अगर लग रहा है ना 6 GB रैम तुम लोग का कम पड़ रहा है, और तुम लोग के पास चारा नहीं है नया डिवाइस लेने का, तो रूट के बारे में सर्च करो, अपने डिवाइस में रूट करो अनेबल। उससे क्या होता है, रूट करने के बाद जो तुम्हारा डिवाइस है ना सेलेक्टेड एप्लीकेशन के लिए रैम को प्रेफर कर सकता है, इस एप्लीकेशन में हम लोग इतना रैम दे देते हैं, और व्हाट्सएप इस सब के लिए फिलहाल के लिए वो रोक देता है रैम, ठीक है। तो उस अनुसार से तुम लोग देख लेना, बाकी जो ड्राइवर है एज यू कैन सी यहाँ, और बाकी ब्लैक स्क्रीन के और सब भी कारण हो सकते हैं। अगर तुम्हारे पास अलग डिवाइस है जो सपोर्टेड नहीं है वो भी कारण हो सकता है, अगर तुम लोग के पास इवन ज़्यादा रैम है फिर भी।